ओके जी, सलाम अलैकुम। अभी तक हम लोगों ने इंसर्ट और डिलीट कर दिए, तो फिर इंसर्ट और सिलेक्ट कर दिए, तो अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो डिलीट करने जा रहे हैं। वो देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास डिलीट का कोड होगा। अब इसके लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो हम लोगों को, हमने प्रीवियसली ये जो व्यू का कोड बनाया था इसके अंदर हम एक टीडी और ऐड करें, ठीक है, ताकि उस टीडी पर हम लोग एक बटन बना सकें। मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ और ये यहाँ पर ले आता हूँ, और इसके अंदर ये जो मौजूद है ना टीडी के अंदर का हिस्सा, इसको हम रिमूव कर देते हैं। मतलब ये जो हमारा डबल कोटेशंस इसके अंदर ही, बल्कि हाँ इसके अंदर ही कोशिश करते हैं हम किसी तरीके से उसको यहीं पर हम लोग बनाए। सबसे पहले जो हमारा होता है वो एंकर टैग लगता है इधर, एक टैग, ठीक है। उस एक के टैग के अंदर हम लोगों ने इसको रीडायरेक्ट करना, मतलब इसको दूसरे पेज पर लेकर जाना होता है, डिलीट डॉट पी एच पी के पेज पर। तो किस तरीके से लेकर जाते हैं हम लोग, अब इसको लिंक करने के लिए एच आर ई एफ लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब सिंगल कोटेशन बाहर मौजूद है, अब उसके अंदर डिलीट डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क, और मैं एक वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ आईडी, ठीक है। वो हम के भी आईडी जा रहे हैं। अब देखिएगा आईडी जो है ना वो हमारे यूनिकली आइडेंटिफाई का एट्रीब्यूट है, तो उसको हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे किस तरीके से, जिस तरीके ये मौजूद रहा, ये वाली यूनिकली आइडेंटिफाई हमारे पास जो होती है वो हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस कर दी, ठीक है। अब ये देखिए ये इस तरीके से हमारे पास अंदर एरर करेगा। अब या तो एक तरीका कार ये है कि हम लोग इसको डबल कोटेशन में इनक्लोज कर दे, वरना दूसरा सोल्यूशन है हम उसमें करके देखते हैं। ऐसे नहीं आएगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कंकेटिनेट कर देंगे, ठीक है। मतलब ये हमारा पास इस तरीके से डायरेक्टली अगर वो डिस्प्ले नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये सिंगल कोटेशंस के अंदर हमारे पास मौजूद है और बाहर हमारे डबल कोटेशंस जा रहे हैं। अब इसको हम लोग करेंगे ना, वो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे ताकि हमारे पास सही तरीके से हो सके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ डबल कॉमास लगा देते हैं, इससे क्या होगा ये एक अलग हो गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। फिर मैं यहाँ सिंगल इसको कंकेटिनेट करते हैं, फिर इसके बाद ये जो मौजूद है ना इसको यहाँ पर फिर कंकेटिनेट करके इधर डबल कॉमास में एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये डबल कॉमास अलग आ गए, इसकी सिंगल कोटेशंस यहाँ से शुरू हुई थी, ये सिंगल कोटेशंस यहाँ पर खत्म हो गई। अब ठीक है, अब मैं इसको वैसे डिस्प्ले करवा के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये एंकर टैग क्लोज हो गया यहाँ पर, और उधर मैं लिख देता हूँ डिलीट, ठीक है। और साथ में हमारा फॉरवर्ड स्लैश ए, ये एंकर टैग क्लोज हो गया हमारे पास। अब मैं आपको व्यू का पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमारा व्यू का पेज जो है वो रिफ्रेश होगा, कि हमारे पास जो व्यू का पेज मौजूद है उसमें हमारे पास किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकेंगे। ओके, तो हमारा वही लोकल होस्ट, इसमें हम लोगों ने इधर जाना है, और हमारा जो फर्स्ट पेज है उसको हम लोग लोड कर लेते हैं फिलहाल। इधर से हम व्यू पर जाते हैं, व्यू पर देखना ये डिलीट का हमारे पास ऊपर हमारा वो अभी आया नहीं, एक कॉलम नहीं ऐड किया हुआ हमने यहाँ टॉप पर यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके ना एक कॉलम और बना लेते हैं हम लोग,
हाँ पर, और इसका नाम मैं रख देता हूँ एक्शन, TION, एक्शन। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये कॉलम आ गए। अब यहाँ पर हमारे पास देखना ये था कि आईडी में वैल्यू आ रही, वो आईडी में वैल्यू नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पर एक जो सिंगल कोटेशन है इसको हटाकर देखता हूँ। नहीं, अब नहीं आ रही। ओके, तो हमारा शी जो मौजूद है, अब देख लेते हैं। अब यहाँ आईडी आना शुरू हुई है, बॉटम में चेक कीजिएगा, यहाँ पर ये ID 1, ये ID 2। अब यहाँ से मैं जैसे आप सफेद देखिएगा, ये हमारे पास ना ये अजीब से फॉर्मेट में नजर आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ना एक बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देता हूँ। इधर क्लास इज इक्वल टू के सिंगल कोटेशन BTN, BTN डेंजर, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की हमारी पावर है। स्पेलिंग आई थिंक सही नहीं हुई है, तो देख लेते हैं। पीटीएन, ओ सॉरी, यहाँ ना अंडरस्कोर लगाना भूल गए हम, सो माइनस सिंबल जो होता है, इन डेंजर, देखिएगा। ठीक है, ऑलरेडी बड़े जबरदस्त हमारे पास बन गए। इसी तरह टेबल के भी बहुत सारे हमारे पास है, जैसे टेबल नो रिस्पॉन्सिव है, टेबल स्ट्रिप है, वो साथ के साथ इधर लगाएंगे तो और अच्छे तरीके से हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ, ये देखिए ये स्ट्रिप बन गई है। तो ये बूटस्ट्रैप्स के जरिए से इस तरीके से हम लोग एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं किधर, डिलीट डॉट पीएचपी के पास। अब डिलीट का पेज नहीं है, तो हम सबसे पहले डिलीट डॉट पीएचपी बनाते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद मैं फिलहाल ऐसे सेव करता हूँ, दिखाता हूँ कि ये URL नॉट फाउंड का मतलब है पेज नहीं था। अब पेज होगा तो अब ये एरर नहीं आएगा। अब अगला काम हमारे पास क्या था, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन मार्क पीएचपी लगाता हूँ, और इसमें सबसे पहले करना हमने कनेक्शन। अब कनेक्शन तो हमने करना नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग उसको करेंगे इंक्लूड किधर से, वो लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, कॉन्फिग डॉट पीएचपी के नाम का जो मौजूद है। अच्छा, डिलीट के पेज में सिर्फ डिलीट होगा और वो वापस रिमूव कर जाएगा, तो इसलिए हम लोग बाकी HTML अप्लाई नहीं करेंगे। ये पेज सिर्फ क्या करता है, यहाँ पर व्यू के में हमारा जो मौजूद है, वापस प्रीवियस में आता हूँ मैं, डिलीट पर बटन करूंगा तो वो वहां से डिलीट कर और फिर वापस आ जाए, इसलिए हमारा यहाँ पर कोई HTML का जरूरत नहीं है। दैट्स वाई हम मेन्यू का वो जो हमने अलग से बनाया था उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगला काम क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू गेट करनी है, और वैल्यू गेट करने के साथ फिर हम लोग यहाँ पर क्यूरी लगाएंगे, और उस क्यूरी के जरिए से फिर हम लोग बाकी काम करेंगे, मतलब वो क्यूरी के जरिए से उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, कनेक्शन हमारा हो गया। कनेक्शन होने के बाद अब जो यूआरएल में वैल्यू होती है ना, उसको हम लोग आईडी वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट के मेथड से हम लोग लेते होते हैं। ठीक है, सिंगल कोटेशन। अब वो आ किस नेम से रही है, आईडी के नेम से। यहाँ पर ये जो URL आप लोग देख रहे हैं, कोड में वापस दिखाता हूँ, ये हम लोगों ने जो एंकर टैग बनाया है, ये जो ये वेरिएबल ये एज एन आईडी आ रहा है। ठीक है, और अगर नहीं पता लग रहा तो डिलीट डॉट पीएचपी पे जब जाते हैं ना, ये देखिएगा ये हमारे पास मौजूद है, तो ये वाला हमारी वैल्यू ला रही, तो हम उसी को यहाँ पर रिसीव करेंगे।
ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पर इको करके दिखा दूँ, इस तरीके से आप लोग भी साथ के साथ टेस्ट कर सकते हैं। देखिएगा, अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये 1 आया हुआ हमारे पास। ठीक है, आईडी नंबर 2 ये मौजूद है, तो ये देखिए आईडी नंबर 2 आ गई हमारे पास। इसका मतलब है वहां पर हमें ये रिसीव होना शुरू हो गई। अब वो कनेक्शन हमारा ऑलरेडी मौजूद है। सबसे पहले अब हमने क्या लिखना है, डॉलर साइन क्यूरी इज इक्वल टू, अब हमें सिंगल कोटेशन में वो क्यूरी पास आउट करनी है। अब किधर जाएंगे, वही जैम के पास, और इसमें एसक्यूएल में जब आप लोगों को डिलीट की क्यूरी ना लिखनी है तो डिलीट, ठीक है। और हम किसकी बेस पर डिलीट कर रहे हैं, आईडी की बेस पर, ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ओके, मैं यहाँ ये कर देता हूँ। अब इसमें सबसे पहले ये सिंगल कोटेशंस जो इधर लगी हुई है हटा दें, अब डिलीट फ्रॉम वेयर आईडी इज इक्वल टू हमारे वाली, और उसको हम सिंगल कोटेशन में लगाएंगे, ओके डॉलर साइन आईडी। ठीक है, ये हमारी बन गई क्यूरी। अब क्यूरी बनने के बाद हमारे पास वही MySQL क्यूरी जो मौजूद है ना फंक्शन, उसी को हम लोग कॉल करेंगे रिजल्ट के वेरिएबल में, जैसे इंसर्ट का किया था हम लोगों ने, कर लेंगे लेट हो गई तो ठीक है, नहीं तो हम एरर मैसेज देंगे। तो डॉलर साइन रिजल्ट हम लोगों ने बना लिया इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी। सबसे पहला काम क्या था, डॉलर साइन कौन, वो कौन कनेक्शन तो हमने बनाया नहीं, कहा ना ये कनेक्शन कॉन्फिग फाइल में पड़ा है, तो उसमें जो वेरिएबल नेम कौन ही था, ये कॉन्फिग फाइल के अंदर जो ऑलरेडी प्रीवियस भी हम लोग को लगाया है, तो वही कौन आ गया, और उसके साथ फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हमारे पास क्या आएगी, डॉलर साइन क्यूरी आएगी। ठीक है, ये क्यूरी आ गई, तो वही इफ ब्रैकेट रिजल्ट। ठीक है, अगर सक्सेसफुल हो गया तो फिलहाल इको कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पर डिलीटेड लिख रहा हूँ, बाद में हम इसको चेंज करेंगे, हम इधर से यहाँ रुके ना, इस पेज पर हमारे रुकने को फायदा भी नहीं है। एल्स इधर हम इको में मैसेज दे देंगे, एरर। ठीक है, और इसके बाद आखिर में हमने वही कनेक्शन क्लोज करना है, तो हम क्या करते हैं, MySQLi अंडरस्कोर क्लोज, और किसको, वो जो कनेक्शन हमारे पास मौजूद है वो कनेक्शन क्लोज भी हो जाए। हम वापस चलते हैं व्यू के पेज पर ताकि आप लोगों को नजर आए। अब ये देखो, ये मैं डिलीट पे परफॉर्म कर रहा हूँ, ये देखो डिलीटेड आ गया है, इसका मतलब वैल्यू डिलीट हुई है। ओके, तो वापिस मैं जाता हूँ ना, अब मुझे खुद से जाना पड़ रहा है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये वैल्यू डिलीट हो गई है, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ ये डिलीटेड ना है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वो डिलीट करके वापिस मुझे मेरा जो व्यू का पेज है उधर ले आए। इसके लिए हम लोग ना यहाँ एक फंक्शन लगाते होते हैं, उसके जरिए से हम लोग मूव कर जाते हैं, उसे हम कहते हैं हेडर का फंक्शन। ठीक है, हेडर के अंदर सबसे पहले हमारे डबल कोटेशन के अंदर जो मौजूद है ना एक लोकेशन लिखते हैं, फिर कॉलन, फिर जहां भी मूव करना हो लाइक व्यू डॉट PHP पर, ये जब हमारे पास मौजूद है यहाँ पर वापस मूव कर दे, मतलब जब डिलीट कर लो बाकी ठीक है तो आपका उधर मूव का जो व्यू डॉट PHP पर ना उधर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स रिफ्रेश। अब मैं देखो डिलीट किया, वापिस इसी पेज पर आ गया हमारे पास, तो यहाँ देखो लिखा हुआ आ गया रिकॉर्ड नॉट फाउंड। रिकॉर्ड नॉट फाउंड मतलब जो वैल्यूज नहीं होंगी रिकॉर्ड नॉट फाउंड ही आएगा, हम वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं इसको ओके एट द रेट ऑफ gmail.com, ये हमारे यहाँ भी सक्सेसफुली इंसर्टेड जो आ रहा है ना, इसको भी हम यहाँ से खत्म कर देते हैं।
मैं 2 3 बार ना इसी रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अभी भी ये हमारे पास जो आ रहा है ना, हम इसको भी खत्म कर सकते हैं सेम इसी तरह लोकेशन के थ्रू ना। कहाँ पर हम जहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, और इंसर्ट हमारे पास जो हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर, वो लॉगिन डॉट पीएचपी के नाम का हमने बनाया, हालांकि इंसर्ट डॉट पीएचपी लिखना चाहिए था इधर। तो जब सक्सेसफुली आ जाता है ना, तो इसकी जगह पर हम किधर मूव कर जाएंगे, हमारे पास ये जो मौजूद है किधर, ग्रिड एंड फॉर्म, ये मौजूद रहा। मैं इसको वैसे यहां से रीनेम करके मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, वापिस आ गया ना। अब इंसर्ट हो रहा है तो वो सक्सेस को नहीं दे रहा, जब एरर होगा तो वो वहीं रुक जाएगा। ठीक है, अब मैं व्यू करवाता हूँ आपको। ये देखें, ये व्यू हो गया हमारे पास। अब मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो ये वहां से वो डिलीट करके वापस आ जाता है। लाइक फाइव रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट के पेज पे गया, वापस आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इंसर्ट और डिलीट हो जाता है। कीजिए हाफिज।